हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज की जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में कि किस तरीके की वो एक्सरसाइज है। उस जैसे हमने पहले की है, जस्ट बिल्कुल वैसी ही है। ये रही एक्सरसाइज नंबर 2.4 और इसमें भी जस्ट आपसे यही कहा गया है कि आपको जो है क्वेश्चंस को जो है वो जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, इसके टोटल 12 क्वेश्चन है, तो आज के हम जो है वो 6 क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करेंगे। आज हम अपनी वीडियो का पार्ट 1 बनाने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप पहले से उतार के लिखा हुआ है कि 3/12 ब्रैकेट एंड 6, तो बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही आसान है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा ईजी टू वे आपके लिए लेकर आऊँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि जब हम सवाल को सॉल्व करने जाते हैं तो हम सवाल को जो है वो दोबारा उतारते हैं, तो मैं सवाल को जो है वो दोबारा उतार रही हूँ। 3/12 ब्रैकेट एंड 6। यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर्स हैं उनको देखना है। अब उनके अंदर क्या देखना है, उनके अंदर ये देखना है कि जो ऊपर और नीचे के जो वर्ड हमें दिए हुए हैं क्या वो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, यानी कि वो दोनों जो हैं एक ही पहाड़े के अंदर आ रहे हैं, एक ही टेबल के अंदर आ रहे हैं। तो येस ऑफ कोर्स कि 3 और 12 दोनों जो है वो एक टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 4 12, तो हम जो है इसको वो कट आउट करेंगे। 3 1 3, 3 4 12। ओके, अब क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है? अब नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 4 नहीं कट सकता। पहली बात तो ये कि 1 का टेबल होता ही नहीं है और 1/4 यहाँ पे बचा है, तो मैं 1/4 जो है वो यहाँ पे लिख दूँगी। 1/4, 6, यानी कि देखिए इस कंडीशन में था, अब ये इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसके आगे जो होता है, याद रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर दी गई हो, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई होल पावर हो, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो पावर उन सब के साथ लगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो या 1 ही हो। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 1/4 दिया हुआ है और ब्रैकेट करके होल पावर दिया हुआ है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के साथ 6 लगेगा। तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर देंगे और 1 लगेगा 6 के साथ। याद रखिएगा पावर हमेशा छोटी ही लिखी जाती है, 4/6, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इट्स मीन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी नंबर्स के ऊपर पावर्स लिखी हुई हो या उतने नंबर्स लिखे हुए हों तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर उतनी चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के ऊपर 6 है, 4 के ऊपर 6 है, इट्स मीन्स यहाँ पे कितने 1 है, 6 जो है वो 1 है और 6 जो है वो 4 है। कैसे, हम यानी कि 1 को जो है वो 6 टाइम लिख लेंगे, 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका मतलब ये हो गया। इसी तरीके से हम 6 को 4 को भी जो है वो 6 टाइम लिख लेंगे। आई होप इट क्लियर हो गया हो आपको कि किस तरीके से किया है, कि पहले इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो आया था बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट को कैंसिल आउट किया, ब्रैकेट के बाहर कोई भी पावर हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हो सब के साथ वो पावर लिखी जाती है, हमने दोनों के साथ लिखा, उतने टाइम्स इसको ओपन कर दिया, यानी कि यहाँ पे बंद करा हुआ है कि 4 के ऊपर 6 है, यहाँ पे बंद करके लिखा हुआ है, यहाँ हमने इसको ओपन कर दिया कि इतने 6 यहाँ मौजूद है और इतने 1 यहाँ मौजूद है। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है इसका, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन जो आज मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनके लिए ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 को मैं 6 टाइम पढ़ दूँ, यानी कि 4 6 24, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं 4 को जो है कैलकुलेटर के ऊपर 6 टाइम दबाऊँगी। कैसे, 1 टाइम दबाया मल्टीप्लाई, 2 टाइम दबाया मल्टीप्लाई, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 टाइम मल्टीप्लाई, 5 टाइम मल्टीप्लाई, 6 टाइम मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि 4 को जो है वो इतने टाइम कैलकुलेटर पे आपको प्रेस करना पड़ेगा, और कैलकुलेटर आप जो है वो इजीली बोर्ड एग्जाम में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको अलाउ होता है। ठीक है, 4096 और 1 को तो आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो 1 बंद ही रहता है, तो जस्ट इसका आंसर यहाँ पर आ गया।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो गया है, स्टार्ट करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हैगा -12/5 और उसकी होल पावर 5। बस आप ये चीज़ समझ जाएं कि ब्रैकेट्स के बाहर जो भी पावर दी हुई है वो अंदर वाले सब के साथ लगेगी, ठीक है। यानी कि जो पावर जो है वो 12 के साथ भी लगेगी और 5 के साथ भी लगेगी। तो वही चीज़ है कि हम सवाल जो लिखते हैं उसको दोबारा एक दफ़ा जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसको एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं। तो मैंने जो है जस्ट कुछ नहीं करा है, अभी सिर्फ दोबारा लिख लिया है सवाल को। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वही देखेंगे क्या ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं कि एक टेबल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक टेबल में नहीं आ रही क्योंकि 5 जो है वो ऑड नंबर है, यानी कि सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, तो ये क्रॉस नहीं होगा। ये इस सवाल में ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रॉस करना ही है, जो क्रॉस होगा सिर्फ उसको करना है, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस तो हो नहीं रहा, तो यानी कि वो एक स्टेप जो है वो कम हो गया जो हमने अभी पहले सवाल में कराए। तो यहाँ पे जो है अब क्या करेंगे, इस 12 को इस पावर को जो है 12 के साथ लिखेंगे और इस तरीके से ब्रैकेट कैंसिल आउट, ठीक है। इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। अब इट्स मीन क्या है कि जैसे हमने ऊपर किया था कि 1 के ऊपर जो पावर थी उतने टाइम खोल लिया था, 4 को उतने टाइम लिख लिया था, तो इस तरीके से यहाँ पे 12 को 5 टाइम लिखेंगे और 5 को 5 टाइम लिखेंगे। तो मैं नीचे लिख लेती हूँ, ये देखिए मैंने 12 को 5 टाइम लिख लिया और 5 को भी 5 टाइम लिख लिया। अब जस्ट वही करेंगे कि कैलकुलेटर पे जो है 5 को 5 टाइम प्रेस करेंगे और 12 को 5 टाइम प्रेस करेंगे। मैं आपके सामने प्रेस करती हूँ, 12 को 5 टाइम करना है तो 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है 248832। तो हम यहाँ पे जो है वो जस्ट लिख लेते हैं आपके सामने ही, 248832। और यहाँ पे हमारा 5 बचा है तो हम 5 को भी जो है वो 5 टाइम जो है वो प्रेस कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है, 3, 1, 2, 5। और ये हो गया हमारा आंसर, ओके। सेकंड क्वेश्चन भी जो हमारा सॉल्व हो गया है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हम अपना थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही बहुत ज़्यादा इजी हैगा क्योंकि इसमें कोई नंबर्स वगैरह नहीं दिए हुए, जस्ट आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है a/b इसकी पावर 6, ठीक है। वही चीज़ के सॉल्यूशन करते वक्त जो है हमें सवाल को अगेन हम उतारेंगे। अब यहाँ पे तो कोई नंबर्स ही नहीं है जो हमें क्रॉस करना पड़े, ठीक है। तो जस्ट वही करेंगे कि ब्रैकेट को कैंसिल आउट करके ए के ऊपर 6 लगा दिया एंड बी के ऊपर 6 लगा दिया। अब ए को हम 6 टाइम अगर लिख भी लें और बी को 6 टाइम लिख भी लें तो मल्टीप्लाई तो करना होगा ही नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो जस्ट यही इसका आंसर हो गया, ओके। अब हमारे पास 4 है, 4 थोड़ा सा अलग है इसी तरीके से, कोई नंबर्स नहीं है, जस्ट अल्फ़ाबेट ही है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे बस पावर्स जो दिए इन्होंने हमें, जो होल नंबर दिया हुआ है वो माइनस में दे दिया। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सवाल को हमने दोबारा उतार लिया, सॉरी -3 है, सवाल को हमने दोबारा उतार लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, वही कोई अंदर नंबर्स नहीं है तो कोई क्रॉस नहीं होगा, जिसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो उसका है ही नहीं। इसको हमने क्रॉस किया, 1 -3 m -3। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ ये हैगी कि ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको पावर माइनस में दी जाए, ठीक है, ये मेन चीज़ है, अगर आपको पावर माइनस में दी जाए तो जब आप इसको सॉल्व करने पर जब आंसर लेकर आएंगे ना तो ये अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि हमें माइनस में आंसर जो है वो माइनस में नहीं चाहिए, तो हम m जो है वो ऊपर आ जाएगा और l जो है वो नीचे चला जाएगा। माइनस का माइनस में जो 3 है वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस होगा
तो अपोजिट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बस पावर अगर आपको माइनस में दी गई है तो ये आंसर में उल्टा लिखा जाएगा, यानी कि एल नीचे आ जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा और माइनस की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। जस्ट याद, ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। एट ए स्क्वायर बी अपॉन थ्री सी डी एंड माइनस टू। देखिए यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जब हम अंदर करेंगे तो थ्री ऊपर चला जाएगा और एट नीचे आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सवाल को हम पहले दोबारा उतार लेंगे। एट ए स्क्वायर बी थ्री सी डी माइनस टू। ओके, अब पहले तो हम वही चीज़ कर लेंगे कि मैंने बताया था आपको कि सवाल में अगर माइनस हो, पावर माइनस में हो तो हम ऊपर नीचे कर देंगे, यानी कि नीचे का ऊपर लिख देंगे और ऊपर का नीचे लिख देंगे, हमें माइनस ख़त्म करना हो। तो पहले हम थ्री हमने ऊपर लिख दिया, थ्री सी डी टू एट ए स्क्वायर बी टू। ये देखिए मैंने, ये इसके बाद का स्टेप है, ठीक है। पहले ये स्टेप आ गया, फिर ये स्टेप आ गया कि पहले थ्री सी डी नीचे था, मैंने उसको ऊपर कर दिया। एट ए स्क्वायर बी ऊपर था, मैंने नीचे कर दिया। पावर जो माइनस में थी, देखिए वो कैंसिल हो गई, माइनस यानी कि ख़त्म हो गया, माइनस हमें ख़त्म करा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पावर आएगी, तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट्स के बाहर अगर पावर हो तो वो अंदर सबके साथ लगेगी, यानी कि इस टू को मैं इन सब के साथ लगाऊंगी और इस टू को इन सब के साथ लगाऊंगी। तो थ्री, थ्री के ऊपर पावर लगा दी मैंने, देखिए थ्री, थ्री के साथ टू लगा दिया, उसके बाद सी के साथ टू लगा दूंगी और डी के साथ टू लगा दूंगी। ये देखिए, इससे कैसे थ्री के साथ टू, सी के साथ टू और डी के साथ टू। इस तरीके से मैं एट के साथ लगा दूंगी, एट के साथ टू, ए के साथ, ये देखिए ए के साथ टू पहले से मौजूद है और ये भी टू है, तो यानी कि अगर अंदर अल्फ़ाबेट के ऊपर कोई आपको नंबर्स दिए हुए हों, कोई पावर दी हुई हो और बाहर भी हो, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू टू ज़ा फोर हो गया, यानी कि इसका फोर आंसर आ गया। और बी के ऊपर कुछ नहीं है तो बी के ऊपर टू। ओके, अगर अंदर भी पावर्स हों और बाहर भी पावर हो, तो फिर जब हम सब लिखते हैं तो फिर अंदर और बाहर वाले को मल्टीप्लाई करके उसको लिखते हैं। देखिए मैंने सबके साथ टू टू आया है, इसके साथ भी टू, इसके साथ, इसके साथ टू, इसके साथ भी टू, इसके साथ टू, इसके साथ टू से नहीं आया क्योंकि इसके साथ पहले से मौजूद है और बाहर भी है, तो इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसका लिखा है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, वही जो हम करते आए हैं कि नंबर्स के ऊपर पावर दी होती है तो हम उसको उतनी टाइम खोल देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं खोल नहीं रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया हो, मैं आपके लिए अलग से यूँ कर देती हूँ। यानी कि थ्री के ऊपर टू है तो उसका मतलब है टू टाइम थ्री है, और एट के ऊपर टू है तो उसका मतलब है टू टाइम एट है, ठीक है। थ्री के ऊपर टू है इसका मतलब है यहाँ पर दो थ्री है, और एट के ऊपर टू है इसका मतलब है दो एट है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री थ्री ज़ा नाइन और एट एट ज़ा 64। तो यानी कि यहाँ पे थ्री स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, नाइन्थ। ओके, और यहाँ एट स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 64। और बाकी अल्फ़ाबेट की जो पावर्स हैं वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएंगी, सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए फोर बी टू एंड जस्ट एन आंसर। ओके, हमने पहले भी किया है कि पावर्स के ऊपर जब वो सॉरी नंबर्स के ऊपर जब भी पावर आई है तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा है, और वहाँ पे जो है सिर्फ नंबर्स ही थे तो हम खाली नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करके आंसर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स के साथ हमें अल्फ़ाबेट भी दिए हुए, तो हमने नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर लिया और अल्फ़ाबेट के ऊपर कितने ही पावर्स हों अल्फ़ाबेट का आंसर वही आता है, चाहे आप उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अल्फ़ाबेट के आंसर्स वही हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये मेथड किया है, क्योंकि इसके साथ तो हम ये नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसको ये जो है अलग से दिया है, आप इसको रफ अमल में, रफ वर्किंग में जो है वो कर सकते हैं समझने के लिए। ओके, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हम वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, वो भी कर लेते हैं। माइनस थ्री एक्स क्यू वाई टू अपॉन टू यू टी एंड फोर। ये देखिए, ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया है फिफ्थ, बिल्कुल उसी की तरह ही है।
ओके अगेन मैं इसको उतार लेती हूँ, माइनस थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन टू यू टी एंड फोर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ मेथड करेंगे जो फिफ्थ में किया है हमने, फोर की पावर को इन सब के साथ हम उतार लेंगे। ठीक है, ये माइनस साइन साथ साइड में आ जाएगा, इसके साथ नहीं लगेगा, साइड में लिख देंगे इसको। थ्री फोर वही चीज़, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, वाई की पावर टू है और फोर टू फोर ज़ा एट। ओके, टू के ऊपर कुछ नहीं है तो टू के ऊपर फोर आ गया, यू के ऊपर भी कुछ नहीं है तो यू के ऊपर भी फोर आ गया, टी के ऊपर कुछ नहीं है तो टी के ऊपर फोर आ गया, यानी कि जिन अल्फाबेट के ऊपर पावर थी उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आए, बाकी जिसके ऊपर कोई पावर नहीं थी तो वो फोर ही आ गया। थ्री के ऊपर फोर है, इट्स मीन यहाँ पे कितने थ्री हैं, फोर थ्री हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वन टू थ्री फोर, एंड कितने टू हैं, फोर टू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यानी कि कैलकुलेटर के ऊपर हमें कितने टाइम्स जो है वो थ्री को दबाना होगा, फोर टाइम, तो वन टू थ्री फोर, 81 आंसर आया है। देखिए ठीक है, 81 आंसर आया है, तो यहाँ पे मैं 81 लिख दूंगी, इसकी जगह पे थ्री और फोर को मल्टीप्लाई किया, थ्री को फोर टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, बाकी एक्स ट्वेल्व वाई एट ये एज इट इज़ वैसे ही आ गया। टू को कर लेंगे, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा 16। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 16, और यू के ऊपर पावर 4 और टी के ऊपर पावर 4, जस्ट एन आंसर। आई होप आपको समझ में आ गए हो सवाल। आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2.4 के 6 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो मैं कल अपलोड करूँगी, इसके आफ्टर जो 6 क्वेश्चन है यानी कि 7 to 12 क्वेश्चन, वो हम कल सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को पूरा समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा कल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो से जो है वो फ़ायदा उठा सकें, मैथ को अंडरस्टैंड कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।